जब तुम मसल्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए होती है प्रोटीन। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर मसल्स। तुम्हारा ट्रेनर तुमको बोलता है और प्रोटीन खाओ, हर जगह ऑनलाइन तुम देखते हो लिखा रहता है और प्रोटीन खाओ, हर कोई बस यही बोलता है और प्रोटीन खाओ अगर बॉडी बनानी है तो। बट द क्वेश्चन इज, आखिर खाओ तो कितना खाओ, एग्जैक्ट नंबर डेली प्रोटीन इनटेक का, और उसके साथ ही जितने भी तुमको डाउट्स हैं प्रोटीन को लेकर, जैसे मील फ्रीक्वेंसी, मील टाइमिंग, तुरंत जिम के बाद प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। अपूर अग्रवाल, अगर नए हो तुम इस चैनल पर तो फटाक से सब्सक्राइब बटन को दबा दो, बिकॉज ट्रस्ट मी, मेरे वीडियोस तुम लोग मिस नहीं करना चाहोगे। तो एनीवेज, जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे भी सबसे बड़ा डाउट था कि आखिर कितना प्रोटीन चाहिए मेरी बॉडी को टू मैक्सिमाइज माय प्रोग्रेस। मैंने डेली 70 ग्राम जितना कम प्रोटीन भी खाया और 300 ग्राम जितना भी डेली खाया है, इन होप्स ऑफ फाइंडिंग दैट एग्जैक्ट नंबर। सो व्हाट इज दैट नंबर? सी, इन माय ओपिनियन दैट एग्जैक्ट नंबर इज 1.9 इनटू योर बॉडी वेट इन केजीज। फॉर एग्जांपल, माय करंट वेट इज 70 केजीज, सो 70 इनटू 1.9 विल बी 133 ग्राम्स। कुछ लोग जो जिम जाते हैं थोड़े टाइम से, वो सोच रहे होंगे ये तो काफी कम है ना भाई, मैंने डेली 180 ग्राम भी खाया, 200 ग्राम भी खाया, 250 ग्राम भी खाया, और यहाँ तक कि 300 ग्राम भी खाया, और इतना बढ़ाने के बाद भी मेरी प्रोग्रेस में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं आया। कई लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे उतनी जल्दी बॉडी बनेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना हाई प्रोटीन तुम डेली खाओगे तो तुम्हारा फैट और कार्ब्स इनटेक काफी कम हो जाएगा, इससे कुछ हो ना हो तुम्हारी डेली की डाइट बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो प्लीज ऐसा मत करो, 1.9 इनटू योर बॉडी वेट इन केजीज इज दैट गोल्डन नंबर, सो स्टिक विद इट। नाउ दैट बीइंग सेड, द ओनली टाइम आई गो अबव दैट नंबर इज व्हेन आई एम डूइंग कटिंग, क्योंकि हाई प्रोटीन तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब तुम बल्किंग कर रहे होते हो एंड योर गोल इज टू बिल्ड मोर मसल्स, गेट बिग, तब थोड़ा कम प्रोटीन चलता है क्योंकि तब तुम ऑलरेडी काफी सारे कार्ब्स, काफी सारे फैट्स कंज्यूम कर रहे हो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर जब कटिंग की बात आती है तो तुम्हारे पास होती है कम कैलोरीज, तो हाई प्रोटीन जरूरी हो जाता है टू कीप योर मसल्स सेफ एंड नॉट लूज देम। फिर भी मान लो अगर मैं अभी 135 ग्राम्स खा रहा हूँ तो कटिंग के टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा 160 ग्राम्स तक ही जाऊंगा। सो या आई होप ये क्लियर हो गया हो कि डेली तुम्हें कितना प्रोटीन खाना है। नाउ द सेकंड थिंग, जिम के अगर तुरंत बाद तुम प्रोटीन नहीं खाओगे या पियोगे, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मेनी स्टडीज हैव प्रूवन दैट दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। आराम से घर जाओ, एक दो घंटे में खाओ अपनी पोस्ट वर्कआउट मील एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेम रिजल्ट्स आएंगे चाहे वर्कआउट के तुरंत 2 मिनट खाओ या फिर 2 घंटे बाद खाओ। अब एक और अफवाह चलती है कि हर मील में प्रोटीन 25 ग्राम ही होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा हुआ तो तुम्हारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। अगेन कम्प्लीटली बुलशिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से 50 से 60 ग्राम भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। गाइज लिसन, फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल, जितना इजी बनाओगे इसको खुद के लिए उतनी देर तक फॉलो कर पाओगे। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। नाउ द लास्ट थिंग, डेली का प्रोटीन इंटेक को आखिर पूरा कैसे करें? अगर तुम नॉनवेज खाते हो, बेस्ट, आराम से तुम्हारा डेली प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाना चाहिए। अब दिक्कत है मेरे वेजिटेरियन ब्रदर्स के लिए जो ना चिकन खाते हैं ना एग्स खाते हैं। देखो भाई, यू हैव टू ऑप्शंस एंड द नंबर वन इज टेक वे प्रोटीन। कई बार मैंने बोला है सेफ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं खुद 2-3 साल से ले रहा हूँ। टेक 2 स्कूप्स, एक ब्रेकफास्ट के टाइम पी लो, एक वर्कआउट या फिर सोने से पहले पी लो, और 50 ग्राम प्रोटीन ऐसे ही बॉडी के अंदर। नाउ ऑप्शन 2, तुम वे प्रोटीन भी नहीं ले सकते, मान लो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे या फिर तुम्हारा बजट कम है, तो भाई अब देखो तुम्हें एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट में कई आइटम्स हैं जैसे मिल्क, पनीर, सोया चंक्स, सत्तू, दाल, इवन चीज, जो तुम्हें अच्छा खासा प्रोटीन डेली देंगी। बट दैट बीइंग सेड, तुम्हारे पेरेंट्स ये सब डेली नहीं खाएंगे, तो अलग से अब तुम्हें ये सब बनाना सीखना पड़ेगा। कब तक अपनी मम्मी को बोलोगे बनाने के लिए? ज्यादा कुछ नहीं करना है, 10 मिनट में इन फूड आइटम से डिशेस बन जाती हैं, और डेली ही तुमको खाना पड़ेगा बिकॉज एक्चुअली में तुम्हारे पास ऑप्शंस काफी कम है। यूटिलाइज द रिमेनिंग वंस टू देयर फुलेस्ट। सो या आई होप कई डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो गए हो प्रोटीन को लेकर। अगर अभी भी डाउट है, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, यूजर नेम इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आज के लिए भाई इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई के लिए लाइक कर दो, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो याद से सब्सक्राइब बटन भी दबा दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय।